हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य सिद्दीकी, आपका मास्टर, और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज जेई मेन का एनालिसिस शिफ्ट वन 26 अगस्त यानी कि आपका जेई मेन का अटेम्प्ट 4 है 2021 का, उसके शिफ्ट वन का एनालिसिस, ठीक है। जिनका हो गया है आशा कर रहा हूं बहुत ही अच्छा हुआ होगा, और जिनका नहीं हुआ है आगे होने वाला है वो आपको मदद करने वाला है ये वाला एनालिसिस कि आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। तो देखो, फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स का पेपर था मॉडरेटली डिफिकल्ट, मतलब ज्यादातर बच्चों को लगा कि हाँ ठीक है, ना इजी था ना डिफिकल्ट था, ठीक है। बीच का एक पेपर आया था, अपन मान सकते हैं इस चीज को, ठीक है। मैंने वैसे जो क्वेश्चंस देखे मुझे लगा आसान था पेपर, ठीक है, जैसा ये बोल रहे हैं, लेकिन अपन मान लेते हैं कि मॉडरेटली डिफिकल्ट बच्चों को लगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कहां कहां से क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आपके पास थे, 5 क्वेश्चन मैकेनिक्स से थे, ठीक है, 4 क्वेश्चन थर्मो से आपको पूछे गए थे, और 5 क्वेश्चन मॉडर्न से थे, ठीक है। मोटा मोटा एनालिसिस है ये, है ना। 3 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से मुझे लग रहा है कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि पुराने जो अपने पेपर देखें तो उसके अंदर ऑप्टिक्स ज्यादा आता है, लेकिन आज के अटेम्प्ट से लग रहा है कि ऑप्टिक्स कम पूछा जा रहा है, ठीक है। मैकेनिक्स से आपके पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है, बनता भी इतना, मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा यूनिट है तो उसमें बनता भी है, 5 क्वेश्चन कम से कम होने थे, सबको मिलाकर आ गया होगा आपके पास, ठीक है, एनएलएम फ्रिक्शन और रोटेशन वगैरह मिला के 5 क्वेश्चन, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, 4 क्वेश्चन थर्मो से, कुछ थर्मो से मुझे लग रहा है कि थोड़े ज्यादा क्वेश्चन अभी आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, थर्मो का आपको ज्यादा ध्यान देना है, थर्मो का आपको ज्यादा अच्छे से लेकर चलना है, ठीक है। और मॉडर्न से 5 क्वेश्चन, ये तो इतना तो बनता ही है यार, मॉडर्न से 5 क्वेश्चन तो आते हैं ना, तो इतना तो ये वेटेज है, बस ये मुझे लग रहा है कि ऑप्टिक्स और थर्मो जो है इनको इंटरचेंज किया गया है, जहां क्वेश्चन कम होते थे वहां ज्यादा हो गए, ऑप्टिक्स के अंदर जहां ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे वो अभी कम हुए हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन। अच्छा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है उसका कवरेज नहीं है, तो उसका आपको बता देता हूं, करंट के अंदर से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट से भी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, पिछले अटेम्प्ट में भी, इसी साल की बात करते हैं तो भी करंट से बहुत क्वेश्चन आए थे, और अभी की बात करें तो भी करंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। करंट और एसी, एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको उसको अच्छे से कर लेना चाहिए, ठीक है। चले, तो आगे क्या बोला है इसके अंदर, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल वर सिंपल फॉर्मुला बेस्ड, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड थे तो फॉर्मुला पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। कंसेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए, कहां पर कैसा फॉर्मुला आ रहा है, कहां पर कैसा लगाना है, ये सब चीजें बहुत ध्यान देना, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि फॉर्मुला तो बच्चों को याद रहता है लेकिन ये नहीं पता होता लगाना कैसा है, तो उस चीज पे ध्यान दो, कैसे फॉर्मुले को लगाओगे, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ भी रहा है तो भी वो फॉर्मुला बेस्ड ही है, तो फॉर्मुला लगाने पर ध्यान दो, ठीक है, अपना काम हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का जो पार्ट था वो मॉडरेट लगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। कहां कहां से क्वेश्चन आए, बोला बच्चों ने कि लेंदी कैलकुलेशंस थी, ठीक है, तो हो सकता है कि लेंदी कैलकुलेशन मैथ्स के अंदर दिखी हो बच्चों करने का, लेंदी पेपर लगा हो मैथ्स का, लेकिन हम बात करते हैं तो 7-8 क्वेश्चन कैलकुलस से थे, 7 क्वेश्चन ही एलजेब्रा से थे, 3-4 क्वेश्चन वेक्टर से, और 3D से आपके 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है। अच्छा, ये है, और 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आपको देखने को मिले थे, है ना। अच्छा, पिछले एनालिसिस की बात करते हैं जो हमने किया था, जुलाई वाला एनालिसिस, उसके अंदर आप देखोगे वेक्टर और डिफरेंशियल वगैरह इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो वेक्टर तो अभी यहां पर दिख रहा है मुझे, वेक्टर से कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है अभी भी यहां से वेक्टर से, लेकिन हम देखा जाए ना तो कैलकुलस का वेटेज मुझे लग रहा है, कैलकुलस का वेटेज उन्होंने बढ़ाया इस अटेम्प्ट के अंदर, और एलजेब्रा का वेटेज भी थोड़ा बढ़ा है, तो वेक्टर इसके थोड़ा दबता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अपने करना सभी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि वेक्टर पिछले अटेम्प्ट में पूछा जा चुका है, तो वेक्टर को अपने को रखना उसको प्रायोरिटी पर ही है, बाकी कैलकुलस पे भी ध्यान दे रहा है, एलजेब्रा भी, ट्रिग्नोमेट्री से कम क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब ज्यादा वेटेज मुझे मैथ्स का नहीं पता है कि कौन से उसमें आता है, ठीक है, आपको ज्यादा पता होगा इस बारे में, तो आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो उसका, आपको यहाँ पर दिखा है सब कुछ। केमिस्ट्री अगर बात करूं तो केमिस्ट्री पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था हमेशा की तरह, तो केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी इज अ मस्ट, एनसीईआरटी तो आपको रटनी है, पढ़नी है अच्छे से, लाइन बाय लाइन पढ़ के चलनी है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से 3 से बराबर क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई, सबसे बराबर क्वेश्चन थे, लगभग बराबर क्वेश्चन होंगे। अच्छा, और क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सेक्शन और फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा आपके न्यूमेरिकल, तो ऑब्वियसली बात है फिजिकल केमिस्ट्री से आपको ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा आएगा ही सही, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था वो, ऑल इन ऑल ये है बात कि आपके पास जो पेपर था आज का वो एक मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट पेपर था, बच्चों को आसान लगा और 3 घंटे के अंदर आसानी से कंप्लीट किया जा सकता था। मैथ्स का लगा बच्चों को लेंदी, लेकिन वो यहां लग रहा है कि केमिस्ट्री के अंदर कंपनसेट कर दिया गया था, है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलके 3 घंटे में हो सकते थे, ठीक है। तो आशा कर रहा हूं एनालिसिस अब काम आएगा और अब अच्छे से फोड़ोगे अब, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।